नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड टैटू विथ इजी स्टेप्स फोटोशॉप 7.0। इस ट्यूटोरियल में समझेंगे कि फोटोशॉप 7.0 में ट्यूटोरियल में कैसे टैटू बनाना होता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में। यह सारी प्रोसेस हमने फोटोशॉप CC एंड CS3 में भी किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमको फोटोशॉप CC में नहीं देखना है, हमको 7.0 में देखना है। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ है फोटोशॉप में कि ये एरर आ रहा है। अगर मैं फोटोशॉप 7.0 ओपन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को सवाल जवाब है कि ये एरर क्यों आता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी। तो ये इसीलिए आता है एरर क्योंकि कोई ना कोई, ये देखो यहाँ पर लिखा है ये OGL DLL फाइल मिसिंग हो चुकी है हमारे कंप्यूटर में, तो इसको फिर से इंस्टॉल करना होता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। हालांकि ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा अगर अभी मैं इसे ओके कर दूंगा तो, लेकिन कई स्टेप्स में इसकी बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, कई चीज़ें नहीं चल पाती है, तो इसको आपको कम्प्लीटली इंस्टॉल करना चाहिए। मैंने इसीलिए आपके सामने इस चीज़ को शो किया क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है और उसके लिए आप मुझे कमेंट करते हो। तो स्पेशल ट्यूटोरियल बनाने से बेहतर है कि छोटे छोटे ट्यूटोरियल में मैं आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो ऐसे फेस करना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लमों को, तो उसको मैं आपको रूबरू करा दूं ताकि आप उस चीज़ को समझ सके और क्या चीज़ होता है ये सके। अब इसका उपाय क्या है ये आपको बता दूं, तो आपको कंप्लीटली फोटोशॉप को रिमूव करना होगा। एक बार सारा डाटा मटेरियल प्रोग्राम सी फाइल से आपको सब कुछ फोटोशॉप का डिलीट कर देना होगा। उसके बाद फोटोशॉप को शट डाउन ऑन करने के बाद में इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे तो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो गूगल करके इस फाइल को डाल के पेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम फाइल में सी मटेरियल में। तो आपको ये फाइल को ध्यान में रखते हुए इसको करना है। बाकी इसको अभी मैं ओके कर दूंगा। ये इस वजह से मेरे सिस्टम में आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप के CS3 और CC वर्जन पहले ही इंस्टॉल किया था, बाद में मैंने इस चीज़ को किया है, इसलिए हो सकता है फाइल मिसिंग हो गई होगी। तो देख लेते हैं, ये सारी चीज़ों को ओके क्लिक करूंगा, फोटोशॉप चालू हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे रेगुलर टिप्स एंड ट्यूटोरियल से लेके बहुत सारी चीज़ें फोटोशॉप से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यहाँ पर जो बॉक्सेज आए थे इसको मैंने कट कर दिया। अगर मैं कोई भी चीज़ को लाना चाहता हूँ तो विंडो में आके यहाँ से ला सकता हूँ नॉर्मल वे में। छोटा बड़ा करना है इसको, सिंगल क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सारी चीज़ कर पाएंगे। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ दो फोटो लिया हूँ मैंने, एक टैटू है और यहाँ पे एक बॉडी का फोटो है। यहाँ देखेंगे किसी बॉय का फोटो है, यहाँ पर मैंने इसको ला लिया है, ओपन कर लिया, यहाँ बड़ा कर दूंगा इसको। और अब यहाँ देखेंगे इधर से कोई ऑप्शन रहते हैं इम्पोर्टिंग का, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पाती है आपको जो चीज़ आपको चाहिए है मेरे समझ से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से सिंगल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लेके आ जाऊंगा यहाँ पर। और इस फाइल को लाने के बाद सिलेक्ट में आऊँगा, देखेंगे ध्यानपूर्वक समझेंगे दो फाइल, ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है। छोटी छोटी चीज़ बताना जरूरी क्योंकि यहाँ पर बेसिक से सीखने वाले लोग भी यहाँ पर हमारे चैनल पर विजिट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल ए का बटन या आल में सिलेक्ट करेंगे पूरा कॉपी हो जाएगा, या फिर अगर ये नहीं चाहते आप तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे और इस वाले थंबनेल को एक्टिव रखेंगे तो ये चीज़ कॉपी हो जाएगी जैसा आपको उचित लगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉपी करना, कंट्रोल ए का बटन क्लिक किया और यहाँ कॉपी, और यहाँ से इसको कट कर दूंगा। अब यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो नहीं है इसलिए मैं आपको कई सारी चीज़ों को नहीं बता पाता हूँ। ये चीज़ हो गया। अगर ये बाजू में जो डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है ये अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं इस वाले मूव टूल में आने के बाद। यहाँ से एडिट में आएंगे, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल में क्लिक कर देंगे तो इस साइड रोटेट हो जाएगा, और इसको कंट्रोल टी का बटन दबाएंगे यहाँ से तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा मैं, और ये मुझे लगता है कि इतना काफ़ी हो जाएगा मेरे समझ से ये टैटू। अब इसमें ऐसे ही रहने देने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं करने वाला हूँ। इस वाले लेयर पे आएंगे यानी इस तरफ, और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे और ये इस थंबनेल को एक्टिव करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इधर आएंगे और यहाँ इन्वर्स कर देंगे तो बाहरी हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा, और बाहरी हिस्सा सिलेक्ट करने के बाद इस वाले लेयर पे आएंगे टैटू वाले पे और इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो गया। डिलीट हो जाने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि टैटू है, नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बना दिया मैंने समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए समझने के लिए यहाँ पर एक नया लेयर लेंगे और यहाँ से कलर फिल कर देंगे, ये वाला कलर फिल कर दूंगा मैं, ये देखेंगे यहाँ से, और इसको नीचे ला दूंगा लेयर को। अब देखेंगे कलर कैसा है, ये इस टाइप से कलर है, यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ हुई एंड सेचुरेशन में आने के बाद, देखेंगे ये चीज़ है ना। अब देख लिया आपने, ये चीज़ तो हमने कर लिया, कलर लगा लिया, फिल कर लिया, जो भी किया ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टैटू फिट टाइप लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है।
तो यहां पर आएंगे लेयर में, ये लेयर प्रॉपर्टी और ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहां से नहीं आ पाएंगे आप, तो इस वाले लेयर पे रहते हुए, टैटू वाले लेयर पे रहते हुए लेयर में आके यहां से आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा लेयर स्टाइल में। ध्यान से समझेंगे, कोई भी चीज कठिन नहीं, बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीज हो गई और यहां पर आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो यहां अल्टर की बटन दबाएंगे तो कट आउट होने लग जाएगा, देखेंगे, और अल्टर की बटन दबाने के बाद इसको कट करेंगे और यहां से थोड़ा सा इतना ला देंगे इसको और ओके क्लिक कर देंगे। यहां से हट चुका है तो वापस इधर आएंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे और देखेंगे ये चीज यहां पर फिक्स हो गई, मुझे ऐसा लगता है। अब यहां से देखेंगे कि ये वाला फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मैं इरेज करूंगा यहां से, सॉरी इस वाले लेयर पे रहते हुए इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब देखेंगे कि यहाँ 100% बहुत ही सही तरीके से टैटू फिक्स हो गया। अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इसकी ओपेसिटी कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहें तो इसका कॉन्ट्रास्ट भी आप बढ़ा पाएंगे, यहाँ से आएंगे और एक कॉन्ट्रास्ट में बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा डार्क कम ज़्यादा हो सकता है, देखेंगे ये बस इतना काफ़ी। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल फिक्स्ड है, पहले के मुकाबले ये चीज़ कैसे काम कर रहा था देख लिया आपने। तो फोटोशॉप 7.0 में भी टैटू ऐड करना बिल्कुल ही आसान है, इजी स्टेप्स में कर सकते हैं आप, बिल्कुल ही बेहद आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज़ यार कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल आर्ट बालाघाट को। कोई भी चीज़ अगर जाननी हो, अगर हिंदी में आर्टिकल पढ़ना हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि इस छोटे से ट्यूटोरियल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई अगर कोई एनीबॉडी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ पर मुझसे बात कर लो। एनीडिस में एक सॉफ्टवेयर होता है रिमोट कंट्रोल, उससे आप अपना पीसी लैपटॉप कुछ भी दे सकते हैं। इवन अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है तो उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।